Hello everyone, let's take today a problem of probability from black book. तो ये max the column form में problem है और ये max the column का one of the question. आप तो जानते हो सर max the column में there are four problems है ना, तो मैंने out of four एक problem pick किया है and you will find कि exactly same idea is asked in JEE 2023 advanced. Okay. तो अच्छा थॉट है. नाउ अब तुम लोगों को पता है क्या करना है, पॉज करके यू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम के देन रेफर टू सॉल्यूशन. फाइन, तो प्रॉब्लम आपने पढ़ लिया कि ए कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्स, आई एम सपोज टू फॉर्म ए सबसेट पी. ठीक, देन आप वापस एलिमेंट रख देते हो और फिर देन यू फॉर्म ए सबसेट क्यू. Now you are interested कि number of element in P should be more than that in Q. अब तुम समझ रहे हो कि सर जब P construct किया उसके बाद हमने P के सारे element वापस रख दिए और फिर हमने Q को form किया, तो तुम समझ रहे हो ना कि सर P subset क्या बनेगा, उससे Q बनने पर कोई effect नहीं है, they are independent. ये बात तुमको अच्छी तरह से समझ आई, 100% आई. ठीक, तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट की कि सर हम दो सबसेट बना रहे हैं, वंस पी देन क्यू. तो तुमको क्या लगता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? वन पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इज मोर देन दैट इन क्यू. ठीक, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी is less than that in Q, या फिर number of element in P बराबर Q. अब तुम मुझे बताओ सोच के, क्या तुम्हारा common sense ये बात तुमको कह रहा है कि अरे यार number of ways P has more element than Q, number of ways P has लेस एलिमेंट्स देन क्यू, ये तो सेम ही केस होगा, ये तो बराबर चांस रखेंगे, है ना? तुमको लगता नहीं कि सर पी और क्यू तो इंडिपेंडेंटली फॉर्म किए गए थे? ठीक है, तो मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज गोइंग टू बी सेम. नाउ डोंट यू थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज वन? तो अब तुम लोग समझ गए कि सर मुझको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मोर देन क्यू पूछा गया है, ये मुझसे पूछा गया है. तो तुमने अभी मुझे कहा ना कि सर इन तीनों का सम वन और ये दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर, तो क्या दिस प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी, चलो पी से कंफ्यूज हो जाओगे तो यहां मैं प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ by 2. थिंक मैंने क्या बोला, है ना? तुम 100% समझ चुके हो, बस अब तो प्रॉब्लम में कुछ बचा नहीं कि सर 1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू. तो यार पी कंसिस्ट ऑफ 0 एलिमेंट, देन क्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 0 एलिमेंट, एनसी 0, और P consist of one element and Q also consist of one element. अभी आपने कहा ना P बराबर Q. Similarly, both consist of two element, up to n element. I think I am writing the probability upon number of ways I can form P subset. मेरे ख्याल से 2 की power n. Every element has choice. It belong to P. It doesn't belong to P. Two ways. Number of ways to form subset Q. Again, 2 ki power n. Every element has choice. It belongs to Q. It doesn't belong to Q. I think this is the probability. Ab baat aati hai ki sir ye expression kaise simplify kiye. To agar tumne permutation, combination, binomial theorem padha hai, to tumko do method aate hain ki sir isko PNC se bhi kar sakte hain.
और इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन के आइडिया से भी कर सकता हूं. तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द एक्सप्रेशन, ओके, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट. सो दिस कम्स आउट 2n cn 2 की पावर 2n is the final answer. Okay, got it? तो आई होप कि तुम लोग के JEE एडवांस की तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना, और इन प्रॉब्लम से तुमको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही होगा. चलो ओके, बाय.